छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग तेज कर दी है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनावों की बहाली को नहीं किए जाने के विरोध में 23 और 24 अगस्त को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ठोस रणनीति बनाकर 31 अगस्त को प्रिंसिपल का घेराव कर छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। एबीवीपी के हमीरपुर इकाई अध्यक्ष विकास ने कहा कि छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए एबीवीपी अब आंदोलन करेगी। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष विकास ने कहा कि गत दिनों से मंडी जिला में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद रणनीति तैयार की गई है और आगामी दिनों में एबीवीपी का कॉलेजों में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 23 को 24 को दो दिनों की भूख हड़ताल की जाएगी तो उसके बाद प्रिंसिपलों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सारा प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए किया जाएगा। 23 और 24 को एक सांकेतिक भूख हड़ताल हम करने वाले हैं और ये भूख हड़ताल भी उन्हीं मुद्दों पे स्थानीय मुद्दों तथा छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए ये एक वो करने वाले हैं। वैसे हम यहाँ प्रत्येक एक मतलब जैसे आपको बता दूं कि 31 को भी एक हम वहाँ पे एक घेराव करने वाले हैं प्रिंसिपल का, कि सारे के सारे जो हम विद्यार्थी परिषद आंदोलनात्मक कार्यवाही करने वाली है, इसके प्रमुख जो हमारा एक जो मुद्दा है वो यही है कि छात्र संघ चुनावों को जल्दी से जल्द बहाल किया जाए। और हमारे जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे मैंने अपने हमीरपुर के बारे में भी, हमने हमीरपुर कॉलेज में 4-5 दिन पहले ही विद्यार्थी परिषद हमीरपुर ने एक ज्ञापन सह प्रचारक को सौंपा था। उसमें 5 मांगें रखी गई थी, उनमें से एक भी मांग अभी हमीरपुर में पूरी नहीं हो पाई है।